press the bell icon on the YouTube app and never 11 साल की बच्ची का के साथ सेक्सुअल रिलेशन करने का मतलब क्राइम होता है और उसको रेप कहा जाता है, ये उसने खुद बयान दिया है। आप लोग गूगल में सर्च कर सकते हैं, रेप अक्यूज्ड पाकिस्तान, रेप पाकिस्तानी अक्यूज्ड मोहम्मद अरेस्टेड इन ब्रिटेन, ये बस इतना सा लिख करके आप गूगल पर आप उसको ये कर सकते हैं। अब देखिए मैं आपको अब दूसरी खबर बताती हूँ। अभी हमने सुना था हालिया में के तालिबान को, जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया इज भारत पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाजिया अली खान जी का दमदार और बेबाक इंटरव्यू, जो कि वो देंगी पाकिस्तानी मीडिया को, जिसमें वो चर्चा करेगी कि कैसे बड़े बड़े मुस्लिम देश, खासकर अगर बात करें यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और सऊदी अरेबिया की, जो कि भारत में लगातार इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं और भारत को बहुत ही ज्यादा इज्जत भी देते हैं, वही दूसरी ओर पाकिस्तान को न सिर्फ बेइज्जत किया जाता है बल्कि इन्वेस्टमेंट के नाम पे ठेंगा मिलता है और यहां तक कि पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट भी कर दिया गया है। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके से लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। मात्र 18 दिन पहले का आप न्यूज उठाइए, अल जजीरा का उठाइए, बीबीसी का उठाइए, द स्काई का उठाइए, द प्रिंट का उठाइए, और आप उसमें देखिएगा कि ब्रिटेन में एक मोहम्मद नाम का लड़का अरेस्ट हुआ जिसको पुलिस ने धर दबोचा है। अब वो कॉन्वर्सेशन कर रहा है जिसको ब्रिटेन की पुलिस ने इंटेंशनली पूरी दुनिया में वायरल करवाया है, पूरी दुनिया में इंटेंशनली वायरल करवाया है। ब्रिटेन की पुलिस से उससे कॉन्वर्सेशन कर रही है कि तुमने 11 साल की बच्ची का रेप क्यों किया, और वो रिप्लाई दे रहा है कि मुझे पता ही नहीं था कि 11 साल की बच्ची के साथ इंटरकोर्स करने का मतलब रेप होता है और ये क्राइम होता है। और उस आदमी का नाम उस लड़के का नाम मोहम्मद है और उसने कहा कि वो पाकिस्तान से आया है और उसको सिर्फ 3 महीना हुआ है ब्रिटेन आए हुए, वो यहाँ पर एज अ लेबर काम कर रहा है और 11 साल की बच्ची के साथ उसने सेक्सुअल रिलेशन किया, लेकिन उसको पता नहीं था कि यहाँ की पुलिस और यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से, मतलब ब्रिटेन के लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से 11 साल की बच्ची का के साथ सेक्सुअल रिलेशन करने का मतलब क्राइम होता है और उसको रेप कहा जाता है, ये उसने खुद बयान दिया है। आप लोग गूगल में सर्च कर सकते हैं, रेप अक्यूज्ड पाकिस्तान, रेप पाकिस्तानी अक्यूज्ड मोहम्मद अरेस्टेड इन ब्रिटेन, ये बस इतना सा लिख करके आप गूगल पर आप उसको ये कर सकते हैं। अब देखिए मैं आपको अब दूसरी खबर बताती हूँ। अभी हमने सुना था हालिया में कि तालिबान ने अपने देश में औरतों का गाना गाना, जोर आवाज में बात करना, या उनको अकेले बाहर जाना, या उनका उनके शरीर का एक छोटा सा अंग भी दिखाई देना, या मर्दों से थोड़ी ऊंची आवाज में बात करना, या पढ़ना, या यूनिवर्सिटी में बारे में सोचना, ये सब उन्होंने अनिवार्य कर दिया। मतलब ये सारी चीजें यहाँ पर नहीं चलेंगी, ये तालिबान ने अपने सरकारी गैजेट को निकाला और कहा कि औरतें अगर मतलब 9 साल की बच्ची भी अगर है और अगर वो बाहर निकलना चाहती है तो उसको किसी मर्द के साथ बाहर निकलना पड़ेगा और पूरा वो ढकी भी रहेगी, उसकी आवाज कोई मर्द सुन ना सके, इतना धीरे उसको बोलना है। जिस पर मात्र 7 घंटे पहले सऊदी अरबिया के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अपना अपनी प्रक्रिया और अपना स्टेटमेंट दिया है कि मुझे तालिबानी कानून से सख्त शिकायत है, टेररिज्म इस्लाम को मैं नहीं मानता और ना ही मैं सऊदी अरबिया जैसे खूबसूरत देश में तालिबान या पाकिस्तान जैसे टेररिज्म इस्लाम को बढ़ावा दे सकता हूँ। ये औरत का अपना खुद का डिसीजन होगा कि वो कितने बच्चे पैदा करेगी, वो किसी की 4 बीवी और तीसरी बीवी बनेगी कि नहीं बनेगी, वो कैसे कपड़े पहनेगी, वो कितनी दूर तक पढ़ाई करेगी, ये उसका खुद का डिसीजन होगा। उसके ऊपर कोई भी अपनी मर्जी शरिया लॉ के हिसाब से या शरिया कानून या इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर औरत पर थोप नहीं सकता है। ये भी मैं आपको इंटरनेशनल न्यूज से दिखा रही हूँ, ठीक है। अब आती है बात कि कल आपके यहाँ
बड़ा बम गोली पटाखा जला। कल पूरा दिन आपके यहाँ इस्लामिक पटाखे जल रहे। मुसलमानों ने इस्लामिक पटाखा जलाया जिसमें बम गोली बारूद AK-47 राइफल सब चला, लेकिन किस पर चला? इमरान खान के मुसलमान समर्थकों के ऊपर चला और आपकी सरकार के मुसलमान समर्थक ने मारा, और मारने वाला भी मुसलमान, मरने वाला भी मुसलमान, गोली चलाने वाला भी मुसलमान, गोली खाने वाला भी मुसलमान, उस भीड़ में बलात्कार होने वाली भी मुसलमान, बलात्कार करने वाला भी मुसलमान, मोलेस्ट होने वाली जो थी रोड पर वो भी मुसलमान, मोलेस्ट होने करने वाला भी मुसलमान, गला रेतने वाला भी मुसलमान, गला जिसका रेताया वो भी मुसलमान, आपस में ही एक दूसरे को आप लोगों ने मार काट करके पूरी रात आप लोगों ने यही कांड किया है। क्या मैं गलत हूँ? कल इमरान खान की पार्टी के तरफ से एक प्रोटेस्ट निकाला गया था कि इमरान खान को बरी किया जाए, जेल से निकाला जाए, जिसके लिए आपकी सरकार ने और आपकी आर्मी ने, एस्टैब्लिशमेंट ने बड़े बड़े कंटेनर लगाए। एक बैग मिला शाम के वक्त में जो अनोनिमस बैग था, जिसको बॉम्ब स्क्वाड जो होता है वो आकर के चेक किया तो पता चला कि इसमें बहुत आरडीएक्स भरा हुआ है। फिर उसको उठा करके उसमें डिस्पोज किया और उसके बाद फिर पूरी रात आप लोगों ने इस्लामिक बम बारूद चलाए और हजारों लोगों की मृत्यु हो गई, और मरने वाला भी मुसलमान और मारने वाला भी मुसलमान। आप कहाँ चैन में रहते हैं? मुझे एक कोना बताइए ना इस देश में जहां पर आप चैन में रहते हैं। मुझे एक कोना सिर्फ बता दीजिए, एक मुल्क बता दीजिए, एक डिस्ट्रिक्ट बता दीजिए, एक गांव बता दीजिए जहां मुसलमान सुकून से चैन में रहता हो। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये जो जिस तरीके से हम देख रहे भारत के रिलेशनशिप मोहम्मद बिन सलमान और मोहम्मद बिन जैद जैसे, और अबू धाबी के भी क्राउन प्रिंस आए हैं, ये क्यों नहीं? हम ये जो एक नारा, एक नजरिया, एक चीज, एक स्लोगन चलता था मुस्लिम उम्मा के, जी सब मुसलमान आपस में भाई भाई है, वो क्यों नहीं ये चीज सोच रहे? वो क्यों भारत की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं? इसकी क्या आप वजह देख रही है? देखिए मुजफ्फर भाई, ऐसा है कि मैं अगर अपने अपने पूरे 24 घंटे का अगर मैं 18 घंटा मुसल्ला बिछा करके जनमाज पर बिता दूं, तो शायद मेरे बूढ़े माँ बाप को और मेरे 14 साल के बेटे को भीख मांगना पड़ेगा रोड पर निकल कर। मेरे फादर सीनियर सिटीजन है और उनको दो बार अटैक आ चुका है, हार्ट अटैक, लेकिन ऐसे सिचुएशन में भी वो रोज सुबह पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस से वो अपने दुकान जाते हैं और वो रात में 10 बजे 11 बजे घर एंटर करते हैं। वो कमाते हैं और हम लोग उनको हजारों बार, हम तीनों बहनों ने हजारों लाखों बार, कई बार तो हमने इमोशनली कहा, कई बार गुस्से में कहा कि क्या आप लोगों को दिखाते हैं कि मतलब हम लोग आपको अच्छे से नहीं रख सकते। तो वो कहते हैं कि बेटियों की कमाई जो जिस बाप का वजूद गिर जाता है वो बेटियों की कमाई खाता है, जो बाप वजूद वाला होता है वो अपने मरते दम तक बेटियों की कमाई नहीं खा सकता। तो मैं 500 कमाऊं या मैं 5 लाख कमाऊं, लेकिन मैं कमाते कमाते मरूंगा। बड़ी बात है, बड़ी बात है। घर के नीचे 4-4 गाड़ियां खड़ी होती हैं मेरी, पर वो उस गाड़ी को यूज नहीं करते और वो कहते हैं कि मैं जमीन नहीं छोड़ सकता। आपने कमाया, आपने खरीदा, मैंने खरीदा, लेकिन मेरे अब्बा पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाते थे तो मैं भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ही जाऊंगा। मुझे तसल्ली है कि मेरे घर में 4 गाड़ियां हैं। तो ये होता है आपका आपकी एक जिम्मेदारी है ना। अब क्या है कि सऊदी अरबिया एक बहुत ही जिम्मेदार कंट्री है, उसको पता है कि किस तरीके से अपनी कंट्री को उसको रिफॉर्म करना है, अपनी कंट्री को उसको इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, अपनी कंट्री को उसको कैसे बहुत लिबरल बनाना है, अपनी कंट्री में को फिनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग करने के लिए, डिफेंस पावर को बहुत स्ट्रॉन्ग करने के लिए किस किस
कंट्रीज के साथ मुझे बायलेटरल और ट्रेड के रिलेशंस अच्छे रखने हैं, किसके लिए वो काम कर रहा है? क्योंकि घर का जो गार्जियन होता है, अगर वो बहुत सुपरस्टिशियस चीजों पर या इल्यूजन पर अगर वो बिलीव करने लगेगा तो वो घर बर्बाद हो जाता है, वो घर बर्बाद हो जाता है। लेकिन अगर कोई घर का गार्जियन अपने सारे सूम सलावात, अपने रिचुअल्स और अपने धर्म मजहब या धर्म और मजहब को कैरी करते हुए अपने घर और खानदान की बेहतरी के लिए वो खटता है, वो मेहनत करता है, तो वो घर सक्सेसफुल एक ना एक दिन जरूर होता है। एंड दिस इज कॉल्ड सऊदी अरबिया मोहम्मद बिन सलमान। उनको पता है कि उनका देश कैसे तरक्की करेगा, उनको पता है कि किन से हाथ मिलाने से उनका देश बहुत तरक्की याफ्ता और बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। उनको पता है कि उनके देश में शिक्षा की कमी थी, लेकिन अब जब से उन्होंने भारत से हाथ मिलाया है, वो इनवाइट करके हमारे यहाँ से इंजीनियर्स बुला रहे हैं, हमारे यहाँ से डॉक्टर्स बुला रहे हैं, हमारे यहाँ से चार्टर्ड अकाउंटेंट बुला रहे हैं, हमारे यहाँ से एडवोकेट्स बुला रहे हैं, हमारे यहाँ से ब्यूरोक्रेट्स बुला रहे हैं। अब हमारे यहाँ से वो IIT लेकर के चले गए हैं, अब वहां पर वो अपना इंजीनियर डॉक्टर बने। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िया खान जी का दमदार और बेबाक इंटरव्यू आपको काफी पसंद आया होगा, जिसमें आपने देखा नाज़िया खान जी ने ना सिर्फ पाकिस्तान को बेइज्जत किया बल्कि पाकिस्तान के कपड़े उतार के पूरी तरह से पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को नंगा कर दिया। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आएगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त और नॉलेजेबल वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।